Why shows modification message while modify the voucher in busy? Busy में ईवे बिल एंड ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद जब भी उस वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं देन एक पॉपअप आता है और ये पॉपअप क्यों आता है? आइए देखते हैं पहले बिजी में ये पॉपअप देन उसके रीजन को। उसके लिए सबसे पहले बिजी में उस वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे और जैसे ही वाउचर को सेव करेंगे ट्रांसपोर्ट डिटेल के विंडो अपीयर होगी जिसमें हम देख सकते हैं कि इस वाउचर का ईवे बिल एंड ई इनवॉइस ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। जैसे ही इसको ओके करेंगे देन उस केस में एक पॉपअप अपीयर होता है एज ई इनवॉइस ईवे बिल फॉर दिस वाउचर हैज बीन जनरेटेड इट इज रिकमेंडेड नॉट टू मॉडिफाई दिस वाउचर। रूल के अकॉर्डिंग जिस वाउचर का ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है उस वाउचर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे देन डिटेल्स पोर्टल से मिसमैच हो जाएगी क्योंकि ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद वो सारी डिटेल्स जीएसटी पोर्टल एंड ईवे बिल पोर्टल पर भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए जब भी ऐसे कोई भी वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं जिसका ईवे बिल एंड ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है देन उस केस में बिजी आपको पॉपअप के थ्रू अलर्ट करता है कि आप इस वाउचर को मॉडिफाई ना करें। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन एज पर रूल है देन आप सेलेक्ट यस करेंगे और कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।